Welcome back. Today we are going to discuss the numerical problems based on Coulomb's law. Before we start, we will discuss the two basic concepts used to solve the numerical problems in physics. And these two concepts are, number one is Avogadro's concept and number two is Archimedes principle. Let us discuss the Avogadro's concept. This concept is used to count the number of atoms or molecules in a given mass of the substance. आपको कोई material दिया हुआ है 10 ग्राम 5 ग्राम, आपसे ये पूछे कि भी इस 10 ग्राम material में कितने atoms या कितने molecules हैं? इसके लिए अपने इस concept को use करते हैं. तो इसका expression है n means number of atoms or molecules in the given mass m. तो it is Avogadro number divided by atomic or molecular mass and multiplied by the given mass. ये दोनों standard values हैं. ये आपको या तो given होगी और ये आपको पता होना चाहिए. और small m जो है ये mass given होगा. ये arbitrary mass है जो आपको दे, उसके according आपने calculate करना है. तो Avogadro number is equal to 6.023 × 10⁻²³. This is pure number. Small m means given mass of the substance. And capital M means atomic mass or molecular mass. अब atomic mass का क्या मतलब है और molecular mass का क्या मतलब है? Atomic mass जैसे material atomic form में, जैसे copper है वो atomic form में होता है. तो आपसे पूछे भी copper का atomic mass कितना है? तो देखो ये copper का जो है वो 29 means number of protons, 63 is its mass number. तो ये जो 63 है ये इसका एटॉमिक मास होगा. अब वाटर है तो वाटर क्या है? वाटर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है. तो वाटर का जो एक्सप्रेशन है H2O. H2O मींस टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन एटम. हाइड्रोजन मींस 1H1 एंड 8O16. तो आप इन तीनों को ऐड कर दें, 1 + 1 + 16. तो ये जो 18 है ये वाटर मॉलिक्यूल का जो है वो मॉलिक्यूलर मास होगा. और जो एटॉमिक फॉर्म में है उनके लिए अपने ये 63 है, ये जो मास नंबर है इसी को अपने एज ए एटॉमिक मास यूज करेंगे. और गिवन मास है वो कुछ भी हो सकता है, 10 ग्राम 5 ग्राम 100 ग्राम जो भी गिवन होगा. तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो काउंट कर सकते हैं. तो आप एग्जांपल देखिए इसमें, जैसे मान लो आपके पास एक कॉपर पैनी है, कॉपर का एक कॉइन है और उसका मास 10 ग्राम है. तो आपसे पूछे कि फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ द कॉपर पेनी. तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर व्हिच इज 63 एंड मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास, एंड गिवन मास इज 10 ग्राम. तो आप यहां पे रख देंगे. इस कॉन्सेप्ट में एक चीज का ध्यान रखना है कि गिवन मास अगर ग्राम में हो तो आप 23 यूज करेंगे, और गिवन मास अगर किलोग्राम में हो तो आप यहाँ पे 26 यूज करेंगे. जैसे ये 10 केजी होता यहाँ पे तो मैं ये पावर 10⁻²⁶ यूज करता. ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी, इट इज 9.56 × 10⁻²² एटम्स. यानी 10 ग्राम कॉपर में कॉपर के इतने एटम्स होंगे. इसी टाइप से फाइंड नंबर ऑफ वॉटर मोलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ वॉटर. तो अकॉर्डिंग टू Avogadro कॉन्सेप्ट मास आपका गिवन है ग्राम में, तो अगर मैं इसको किलोग्राम कर देता हूं, चलो सपोज दैट ये मास किलोग्राम में है. अगर मास किलोग्राम में है तो आप पावर कितनी यूज करेंगे यहाँ पे? 26. और कुछ भी नहीं करना, इनमें कोई चेंज नहीं करना. जैसे 9 kg वॉटर, तो 9 kg वॉटर तो एटोमिक मोलिकुलर मास वॉटर का 18 और गिवन मास 9 kg. तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पावर जो है वो 26 हो गई आपकी. तो ये यानी 9 kg वाटर में इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. इसका यूज अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या किसी बॉडी पे चार्ज कैलकुलेट करने में करते हैं. आपसे ये कहते हैं इसमें कि ये एक कॉपर कॉइन है और जिसका मास 10 ग्राम है, इसके हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो बताओ इस कॉपर कॉइन पे कितना चार्ज क्रिएट होगा. तो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन. हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ ईच.
n means number of electrons moved. आपको कॉन्सेप्ट में गिवन है कि आपको ये जो कॉपर कॉइन है इसके हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने इसकी आपको जरूरत पड़ेगी. तो पहले आप इस एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लें. इतने एटम्स हैं, हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. तो जितने एटम्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने. तो इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इन द गिवन सिचुएशन. आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो ये वाली और e से मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इस ये ऑब्जेक्ट कितना चार्ज एक्वायर करेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस फर्स्ट फॉर्मूले में आप जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसी के अंदर आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी. इसी टाइप से ये मॉलिक्यूल से ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ये एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट है. ये कहीं भी किसी भी न्यूमेरिकल में एज ए बेसिक टूल है वो यूज हो सकता है. द सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल whenever we submerge an object in a liquid, then object experiences an upthrust force known as buoyant force. तब देखिए इसमें ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये एयर में है. अभी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेट मीन्स फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ एंड इट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g. मास मीन्स वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो वेट इन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई वी दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई जी. इट इज वेट इन एयर. अब इसी ऑब्जेक्ट को आप एक लिक्विड में सम्बर्स कर दें और कैसे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी है रो एल. अब आप ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है एंड दिस फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स. वट इज बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यानी जहां पे जिस जितना वॉल्यूम अभी ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है यहां पे पहले वॉटर था. तो बॉयंट फोर्स इज मास ऑफ दैट लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट वेट एंड वेट मीन्स मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज mg. लेट m डैश इज द मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय g. मास मीन्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. m डैश इज द मास ऑफ द लिक्विड. सो v मीन्स वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज जितना मास जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है उतना ही वॉल्यूम ऑब्जेक्ट आके यहाँ पे इस लिक्विड में ऑक्यूपाई करेगा. तो इस वॉल्यूम में पहले वॉटर था अब इस वॉल्यूम में ऑब्जेक्ट है. तो यहां का लिक्विड था इतने वॉल्यूम का लिक्विड अब डिस्प्लेस हो गया. तो v दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वॉल्यूम आपने वही लेना है मल्टीप्लाइड बाई द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी. मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बट डेंसिटी मास ऑफ लिक्विड मीन्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड. तो यहां आपने लिक्विड की डेंसिटी यूज करनी है मल्टीप्लाइड बाई जी. नाउ नेट फोर्स. अब देखिए डाउनवर्ड फोर्स WA वेट इन एयर दैट इज फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ. WA इज फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ एंड B मीन्स फोर्स अप्लाइड बाई लिक्विड. नेट वेट दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो WA माइनस WB एंड WA मीन्स वेट इन एयर विच इज इक्वल टू V रो जीरो G माइनस B. B मीन्स V रो L इंटू G. इनका डिफरेंस लेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी मीडियम में वेट को मैं WM से रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड इनटू जी. तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लें कि वॉल्यूम और यहां भी वही वॉल्यूम V आएगा G और वही यहां पे G आएगा. देखिए यहां पे ये डेंसिटी है वेट निकालेंगे एयर में तो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की आएगी और अगर वेट निकालेंगे लिक्विड में तो डेंसिटी का डिफरेंस आएगा यानी रो ओ की जगह आपको रो ओ माइनस रो एल डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपने यूज करना है. अब अपने एक ऑब्जेक्ट का वेट है वो लिक्विड में कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा. अब एग्जांपल लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 50 न्यूटन इज सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब. फाइंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड गिवन द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1600 केजी पर मीटर क्यूब.
तो आप देखिए इसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं, वेट इन ए मीडियम लिक्विड डिवाइडेड बाय द वेट इन एयर। अब अपने ये रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉमन जो टर्म्स होती है ना वो कैंसल आउट होगा, उनका इफेक्ट और नलीफाई होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आएगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वीजी और वीजी दोनों यहां कैंसिल आउट होंगे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1600 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज 800 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस 1600। आफ्टर सॉल्विंग आप ये देखेंगे ये होगा 1/2, दैट इज वेट इन ए मीडियम डिवाइडेड बाय वेट मेजर्ड इन एयर, दैट इज वेट इन ए मीडियम बिकम्स हाफ ऑफ द वेट इन एयर, एंड वेट इन एयर इज गिवन 50 न्यूटन, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज वेट इन लिक्विड बिकम्स 25 न्यूटन। तो इस तरीके से अपने इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज